मैं जी परवेज़ साहब का और हाजी आसिफ सर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फाउंडर्स के तमाम दोस्तों को बुलाया है यहाँ पर। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमें मिलजुल के बैठने का, बात करने का मौका मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि जो परवेज़ भाई हैं अलमारूफ हमारे अलियास दुम्बा कराई वाले, इनने जो आज हमारी सेवा की है, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाजी साहब का और परवेज़ साहब का कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त दावत आज रखी, सारे फाउंडर्स के जो भाई हैं उनको इकट्ठा किया और इस तरह के इवेंट्स, जिस तरह से काशिफ भाई ने कहा, इस तरह के गेट टुगेदर जो हैं और होने चाहिए, मज़ीद होने चाहिए। इससे जो आजकल हलचल मच रही है लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के वाले से, उसके बारे में भी बातचीत हो जाती है, बंदा स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बाकी जो फाउंडर्स के लोग हैं उनको भी ये फॉलो करना चाहिए और इस तरह की चीज़ें और करनी चाहिए ताकि हम मिल बैठ के आगे का जो राय अमल है वो तय कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हाजी आसिफ सहर साहब का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने आज की दावत में हमें मदऊ किया, और परवेज़ साहब का भी जो कि इस रेस्टोरेंट के लिहाज दुम्बा के ऑनर हैं, उन्होंने बहुत ही पुरतकल्लफ डिनर का इस्तेमाल किया जिसमें हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर साहब भी तशरीफ़ लाए, और फॉर्मर SVP काशिफ महर यूनस साहब जो कि राजी कौंसलर भी बने हैं किर्गिस्तान के, वो भी तशरीफ़ लाए। लाहौर चैम्बर के फाउंडर के ग्रुप के हमारे तमाम दोस्त मोमन अली मलिक, रहमान अजीज चंद, ख्वाजा खाबर, हारून अरोड़ा सब तशरीफ़ लाए उनकी मोहब्बत पे, और आज बहुत ही हमने सब ने इंजॉय किया। अल्लाह इन लोगों की रिजक में बरकत डाले। एक खूबसूरत इवेंट किया और जिसमें फाउंडर के गुलदस्ते की तरह दोस्तों को उसने बुलाया और भरपूर खिदमत की। हम उसका और उसकी टीम का बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी। जी किर्गिस्तान के अंदर भी गोश्त बड़ा खाया जाता है और पाकिस्तान भी माशाल्लाह बड़ा खाया जाता है, तो मुझे इनका बने हाथ का बना हुआ गोश्त जो है ना, मीट, वो खा के तो वो वाला मुल्क भी याद आ गया। तो माशाल्लाह हाजी सहर साहब और हाजी परवेज़ साहब, इन्होंने ये दावत नहीं की, ये एक दोस्तों को खलूस के साथ मिल बैठने का मौका फ्राहम किया, और ऐसी मौक़ों पे फिर मोहब्बत ही बढ़ती है और दुआएं निकलती हैं दिल से, और दोस्तों के पास आपस में मिल बैठने का एक मौका मिल जाता है। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत से दोस्तों को इकट्ठे किया इन्होंने, जो दोस्तों को इकट्ठा करता है अल्लाह उनके लिए भी आसानी पैदा करता है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान जो ये जो ज़िम्मेदारी मिली है मुझे किर्गिस्तान के हवाले से, तो इन्हीं चैम्बर के दोस्तों ने इंशाल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी में मेरा हाथ बढ़ाना है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि फूड सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे, जो कि मैं आज फूड खाया इनका, फूड सेक्टर के अंदर बड़े पॉसिबिलिटीज़ और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर रेस्टोरेंट चेन बनाने में, और जो जो ऑर्गेनिक ये जो मीट की जो डिशेज़ हैं दोनों मुल्कों में मशहूर हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला फूड फेस्टिवल भी किर्गिस्तान का यहाँ लगाएंगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का फूड फेस्टिवल भी किर्गिस्तान में लगाएंगे। दोनों कौमें जो है ना मीट लवर हैं। ये आज इलियास दुम्बा पे परवेज़ साहब ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया था, और ये एक फाउंडर की गेट टुगेदर थी, और मैं समझता हूँ कि ऐसी गेट टुगेदर होनी चाहिए, इंट्रैक्शन बढ़ता है इससे और एक दूसरे पर एतमाद बढ़ता है। तो तकरीबन आज तमाम चैम्बर के दोस्त आए हुए हैं जिनका तलक फाउंडर से है, तो इंशाल्लाह ताला ये पहले भी ये कर चुके हैं परवेज़ साहब, तो ये बड़ी खूबसूरत महफिल से जाते हैं, तो आज भी आए हैं तो काफ़ी दोस्त आए हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काशिफ यूनस मैर साहब नू अजबस्तान से अम्बैसडर मुकर्रर होने उन्होंने अदालत तकरीब रखी सी, अपने लॉर्ड चैम्बर ऑफ कामर्स के काशिफ अनवर साहब प्रेजिडेंट उनको भी और सारे फाउंडर रहनुमाओं को दावत दी है, तो सभी आए हैं, तो इंशाल्लाह मिल बैठने का एक बहाना था बस। मैं जी जितने भी मेहमान आए हैं मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और इनके आने से मेरी इज्जत में इजाफा हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली मीटिंग की है, अल्लाह का शुक्र है कि अभी इलेक्शन करीब है, हम अपने बुजुर्गों ने कहा है कि सब इकट्ठे होके फाउंडर ग्रुप के आजाद में मीटिंग दें। खुशी की बात है कि मेरे दोस्त मेरे मोहसिन मोहम्मद परवेज साहब ने अपने डेरे पर आज तमाम लीडरान को फाउंडर वालों को बुलाया है, दावत दी, बड़ी खुशी की बात है। मैं परवेज़ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और आने वाले मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इलेक्शन के सिलसिले में आज ये पहली मीटिंग हुई है फाउंडर ग्रुप की। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह
फाउंडर 20 साल से जीत रहा है, 21वें साल भी भरपूर तरीके से जीतेगा और ताजों की खिदमत करेगा। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।